मैं ये कहूँगा कि ऑफ कोर्स ही इज़ माय फेवरेट ऑलवेज, और ग्रीक गॉड लग रहे हैं वो, तो उनसे बहुत ज़्यादा यू नो फिटनेस टिप्स और बहुत चीज़ें सीखने को मिलती हैं। और आज मैं बहुत एक्साइटेड था, सबसे पहले ही मैं इसलिए पहुँच गया यहाँ पर क्योंकि वो मुझे बोल रहे थे कि 7 बजे शुरू हो जाएगा और मैं सबसे पहले पहुँच चुका हूँ यहाँ पर। और यस, मैं ऑल द बेस्ट कहूँगा, और डेफिनेटली वो डांसर के साथ साथ एक्टर भी बहुत ही अमेजिंग है, और बहुत एक्साइटेड हूँ मैं ये सॉन्ग को लेकर, क्योंकि पूरा कश्मीर में शूट हुआ है और उन्होंने बहुत हार्डवर्क किया है इसके लिए, और लुक भी बहुत अमेजिंग है। तो लेट्स सी। मेरा बहुत दिल है उनसे डांस टिप्स लेने का, और लेकिन हाँ, हम लोग कभी इस बारे में बात ही नहीं हो पाती, हमारी सिर्फ फिटनेस को लेके बात होती है कि ये खाना है, ये प्रोटीन पीने हैं, या फिर यू नो वर्कआउट ये होना चाहिए, तो वैसा। लेकिन यस, मैंने उनको बोला था कि मैं मुझे डेफिनेटली उनसे डांस सीखना ही सीखना है। सारा के साथ मेरे बहुत सारे सॉन्ग्स हो चुके हैं ऑलरेडी, तो अभी लेट्स सी, अभी अभी तो फिलहाल तो कोई भी ऐसा नहीं है, और यस हम बहुत जल्दी ही एक और म्यूजिक वीडियो करेंगे। अभी 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 एक्चुअली प्लान हो रहा है, तो लेट्स सी। मेरा अभी जो रिसेंटली शो चल रहा है वो चल रहा है धर्म योद्धा गरुड़, सोनी सब पे। यस, उसके बारे में वो बहुत ही अमेजिंग शो है। मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक हिस्ट्री में हम लोगों ने वो जो वो पोर्शन अभी तक रिवील ही नहीं हुआ, तो फर्स्ट टाइम गरुड़ जो है उसकी कहानी रिवील हुई है। माइथोलॉजिकल है और काफ़ी काफ़ी डिफ़िकल्ट है मेरे लिए करने को भी, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम मैथो कर रहा हूँ। यस, बट कहानी बहुत अच्छी है और लोगों को बहुत पसंद आ रही है। मैं सबको थैंक्स कहूँगा कि थैंक यू सो मच, हर शो की तरह मेरी परफॉर्मेंस को फिर से अप्रिशिएट किया जा रहा है, लोगों को बहुत पसंद आ रहा है तक्षक। और मैं फर्स्ट टाइम मैथो कर रहा हूँ, फर्स्ट टाइम एज अ नेगेटिव लीड कर रहा हूँ, तो मेरे लिए काफ़ी डिफिकल्ट है, लेकिन आई एम वेरी ब्लेस्ड कि सबको बहुत पसंद आ रहा है। फैजल ऑल्सो ही इज़ वेरी गुड डांसर, उससे मैं सेट पे टिप्स लेता हूँ डांस की। अभी रियलिटी शो तो नहीं, लेकिन यस मैं मतलब डिफरेंट शोज़ में डेफिनेटली आपको होऊंगा, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं पर्सनली मुझे रियलिटी शो से थोड़ा सा डर लगता है, इसलिए मैं बहुत कम रियलिटी शो करता हूँ। वो बहुत बिंदास है इस चीज़ में, सारा जा सकती है कुछ भी। यस, तो सारा में गट्स है बहुत कि वो बिग बॉस या फिर यू नो लॉकअप पूरा अटेंड कर सकती है, बट या मैं मुझ में बिल्कुल नहीं, मैं बहुत डरता हूँ इन चीज़ों से। फॉर मी इट्स लाइक वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज मैंने आज तक कभी किया ही नहीं है मैथो, और कॉस्ट्यूम ड्रामा कभी भी नहीं किया, तो बहुत डिफिकल्ट है, पूरा दिन आपको इतना हैवी कॉस्ट्यूम और इतनी शुद्ध हिंदी जो बोलनी पड़ती है, और डायलॉग्स बहुत डिफिकल्ट होते हैं, तो क्योंकि इतने सालों से मैंने बहुत नॉर्मल शोज़ किए हैं, और सडनली ये मेरे लिए काफ़ी डिफिकल्ट है करना। डेफिनेटली यस, डेफिनेटली मैं बहुत ही यू नो मैं एक्साइटेड रहता हूँ म्यूज़िक वीडियोज़ के लिए, क्योंकि मुझे बहुत ही अच्छी लगती हैं, और मुझे सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि सब लोग सारा के साथ ही मुझे कास्ट करते हैं, तो मैं करूँ क्या। वेल, मेहरबान इज़ वेरी वेरी स्पेशल टू अस, बिकॉज नंबर वन इट्स टेरेंस new look that you're going to see, number one, and I don't think Terence has been shown this hot. He's really looking very very hot, and yes, he's done a great job. Mainly it's Sara Anjali who is done a fabulous job. Unhone bahut acha kaam kiya hai. Ye video itself mein achievement hai, kyunki hum ye video humne bahut extreme condition mein shoot kiya hai, jo ki Kashmir mein tha, aur Kashmir mein bhi ye tourist spots pe nahi balki रिजर्व्स में, फॉरेस्ट रिजर्व्स में, एंड अननोन डेस्टिनेशन, सो इट वॉज अ वेरी चैलेंजिंग जॉब, एंड अजीजी एंड हिज एंटायर टीम हैज डन अ फैब जॉब, वी लव्ड वर्किंग ऑन दिस वीडियो, हमने बहुत ही मेहनत की इन टर्म्स ऑफ लुक एंड फील ऑफ द वीडियो, जो आप गाना देखोगे तो आपको समझ में आएगा, एंड इट्स यस आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम आई एम सीइंग अ डांस रोमांटिक वीडियो विच इज़ स्पेशल, एंड हु बेटर देन टेरेंस टू पुट अप दिस वीडियो। थैंक यू। जो इसके म्यूजिक है
सिद्धार्थ कश्यप जो कहते हैं ना, एक बहुमुखी प्रतिभा, राइटर भी है, गीतकार भी है और संगीतकार तो है ही, और साथ ही साथ गायक भी हैं। और जिस तरह से ये वीडियो एल्बम बना रहे हैं, मतलब लगता है कि ये बिगर, जो बिग स्क्रीन होती ना, बिगर देन लाइफ, इस तरह से ये इनके एल्बम जो बड़े बड़े बन रहे हैं। निश्चित रूप से अगर हम देखें तो ये कंपनी टी सीरीज है, उसके बाद इसके म्यूजिक ही आज नज़र आती है हमको, क्योंकि एक एक वीडियो 60-70 लाख के गाने, 15-20 लाख के बन रहे हैं। कहीं भी कोई भी कमी नहीं आती है म्यूजिशंस में, जैसे लाइव म्यूजिशंस होते हैं सब, जो कि आज के डिजिटल युग में ऐसा बहुत कम होता है, नहीं तो सब डिजिटलाइज करते हैं, लेकिन ये लाइव म्यूजिशियनों को बुलाकर करते हैं। और ये इनके अभी तक के जो 40 गाने बना चुके हैं और आए दिन बनाते जा रहे हैं, तो जिस तरह से आजकल फिल्में बन रही हैं उसी तरह से आज इसके म्यूजिक एल्बम भी बना रहे हैं। अभी ये जो मेहरबान है, इसमें जो कश्मीर में शूट हुआ है, ये निश्चित रूप से युवाओं को बहुत ही आकर्षित करेगा और ये ज़बरदस्त हिट होगा, मैं इसकी गारंटी देता हूँ इस बात की, क्योंकि टेरेंस जो है युवाओं के आइकॉन है, पूरी दुनिया में टेरेंस को जाना जाता है और इसमें वो लीड कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से कास्टिंग भी बहुत अच्छी है, सिनेमाटोग्राफी भी बहुत अच्छी है और गीत भी बहुत अच्छा है। तो निश्चित रूप से सिद्धार्थ कश्यप इसके म्यूजिक को बधाई और ये सुपर डुपर हिट होगा निश्चित रूप से, मेरी तरफ से बधाई। मुझे बहुत खुशी हुई जब अजीज़ और सनोबर ने मुझे अप्रोच किया गाने के लिए। इस बाय सिद्धार्थ कश्यप हु ओन्स द म्यूज़िक लेबल, ही इज़ द म्यूज़िक कंपोज़र। जो गाने के अल्फाज है, जो सिंगर्स है, सुमेधा, इरफान एंड राजा, दे हैव जस्ट डन अ फैंटास्टिक जॉब। सो जब मैंने गाना सुना, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द सॉन्ग। जब भी कोई मुझे म्यूज़िक वीडियो के लिए अप्रोच करता है, सर इफ द सॉन्ग इज़ ग्रेट आई विल गो फुल आउट। मैंने गाना सुना, सर दिस इज़ अ हिट सॉन्ग, दिस इज़ सच अ ब्यूटिफुल सॉन्ग। और जब सनोबर ने मुझे एक कॉन्सेप्ट बताया, it was just so beautiful, I said I have to say yes. And then Aziz said we are shooting in Kashmir, I said this cannot be better than that, because last year main gaya tha Kashmir, but I had gone to all the touristy places, but unhone ek aisi khoobsurat jagah li Anantnag, which is a little away from Srinagar, aur jo shooting humne kari wahan par, it's so beautiful. I think ek zamana hua karta tha 70s or 80s mein, jab hum dekhte the Kashmir was so explored, but afterwards, after the 80s 90s, it went down for various reasons, political reasons, and now I feel everybody after seeing our song will fall in love with Kashmir. Main bahut khush hu as an actor, you see me as a choreographer, judge, but ek actor ke kirdaar mein kai baar maine aise music videos kiye hai, but this is one look where Aziz the director was very clear ki Terence, I have seen you as a rock star, because hamari dosti 20 saal pehle jati hai, and I want that same rock star look, jab ke baal lambe the and all that. So he was very clear ki iska ek vision hai, and I'm so happy uska vision successful hua. Jab maine bhi gana dekha, wow, it looks really good, it looks amazing. Aur mere co-star jo hai Sara, wo bahut hi achhi dancer hai, aur khali hum mile the, and then Aziz cast her, so it was just perfect. Kabhi kabhi na bina zyada soche sab cheeze apne aap aa jati hai, there's something called serendipity, that's what happened to this song. Meherban is just it's just love. गाना इतना मधुर है कि यू जस्ट गेट ट्रांसपोर्टेड, यू जस्ट फील लाइक लिसनिंग टू दिस सॉन्ग। अगर आप ये ईयरपॉड्स आके सुने, या इफ़ यू इन योर कार एंड इफ यू ट्रैवलिंग, इट इज़ सच अ सूदिंग सॉन्ग, इट काम्स यू डाउन। एक गाना जो आपको ऑलवेज काम करता है, जनरली आप गाने जो अभी हम सुन रहे हैं वो हब बेवफाई के हैं, दिल किसी ने तोड़ा है, बट आई थिंक इट इज़ सच अ रिफ्रेशिंग सॉन्ग, जहाँ पे एक स्टोरी भी इतनी खूबसूरत है, जहाँ पे एक लड़का जो मैं प्ले कर रहा हूँ जिमी, जिसकी गर्लफ्रेंड आत्महत्या कर लेती है फॉर सम रीज़न, और वो डिप्रेशन में चला जाता है, फिर एक दूसरी लड़की उसको फिर से वो अरमान जगा देती है, एंड शी ब्रिंग्स हिम बैक इनटू हिज फील्ड। सो आई थिंक इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी, बट समटाइम्स यू टू लेट गो टू रियली फॉर लव टू फाइंड यू, दैट्स द ब्यूटीफुल कैच लाइन ऑफ मेहरबान। मेहरबान का कैच लाइन है, यू हैव टू लेट गो इन लव सो दैट लव कैन फाइंड यू, एंड दैट्स द द एसेंस ऑफ ऑल, when you chase certain things, it doesn't happen, but when you let go, then the beauty of love just finds you. So the essence of the song, jo shoot kiya gaya hai, jo kahani ka mudda hai, sab itna pyara hai ki I just feel very confident about the song. yeah, but wo dance jo reels pe hota hai wo bahut alag hota hai, wo 15 second ke liye hota hai, yahan par
काफ़ी हद तक यू नो गाने को समझ, गाने की जो समझ है, अल्फाज है, जो बोल है, उसको ध्यान में रखना पड़ता है. एंड इट्स ऑल्सो आई वॉज विथ सारा, आई वॉज डूइंग मोर ऑफ यू नो बॉल रूम, यू नो नॉट बॉल रूम बट रादर कपल डांसिंग, और वहाँ पर भी थोड़ा कंटेम्प्रेरी ज़्यादा लिफ्ट थे. बहुत बहुत मज़े की बात थी, कश्मीर का एक ब्रिज था जो एक टूटा फूटा हुआ था, और अजीज़ ने कहा कि मुझे बर्फ़ में चाहिए और मुझे झील के पास चाहिए, और वो जो डांस है वो इतना डिफ़िकल्ट है, पार्टनर वर्क है, और वो ब्रिज हिल रहा है, और एक तरफ अगर आप देखोगे तो इफ़ यू जूम इन, एक तरफ वो जो ब्रिज का जो बोलते ना रेलिंग वो है ही नहीं. सो फॉर द कैमरा का इट वॉज़ वेरी गुड बिकॉज उसको क्लियर एक्सेस मिल गया, लेकिन हमारी आई वुड से फटी हुई थी बिकॉज अगर मैंने एक भूल कर ली तो वी आर डाउन इन द रिवर, यू नो. एंड वो पानी बहुत बर्फीला और सर्द भी काफ़ी थी, सो दे काफ़ी फनी सिचुएशंस थे, बट व्हेन यू सी दिस सॉन्ग इट जस्ट लुक्स स्टनिंग एंड सरियल. यू नो हम मज़े की बात यह है कि जब भी हम बर्फीले जगह पे जाते तो हीरोइन साड़ी में होती है, पतली सी साड़ी, एंड यू नो शी इज़ बेयर बॉडी मोस्ट ऑफ टाइम, इन द सेंस दैट शी इज शोइंग हर बॉडी मोर इन अ साड़ी और इन अ ड्रेस, अ स्लिंकी ड्रेस. और हीरो जो होता है वो कपड़े डाले, जैकेट डाले, ग्लव्स डाले. बट इस बारी अजीज़ ने कहा था कि नहीं, मैं आपको भी आपकी बॉडी दिखानी पड़ेगी. सो वी आई वॉज द हीरो वॉज इक्वली बेयर बॉडी दैन द हीरोइन, सो इट वॉज एन इक्वल मैच. और हम कांप रहे थे एज वी वर शूटिंग. इट वॉज रियली डिफिकल्ट समटाइम्स, यू नो, वो नाक से पानी निकल रहा था बिकॉज एंड आइज, हम रो भी रहे थे, नॉट बिकॉज ऑफ एनीथिंग एल्स, बिकॉज जब इतनी ठंड होती है ना तो रोना चालू होता है, तो रोमांटिक सीन कर रहे हैं लेकिन आंसू निकल रहे हैं. सो इट वॉज क्वाइट एन एक्सपीरियंस. आई डोंट नो, अभी तो मेरी जर्नी शुरू हुई है सिंगिंग और एक्टिंग में. डांसिंग मैं एटलीस्ट 20 ईयर्स से कर रहा हूँ, लेकिन उम्मीद रखता हूँ कि सिंगिंग अभी शुरू हुआ है, तो आई वॉन्ट टू काइंड ऑफ यू नो रिलीज टू मोर सॉन्ग्स, डांस नंबर्स होपफुली, एक अलग जॉनर ऑफ म्यूजिक में, यू नो. एंड मोर इम्पॉर्टेंटली इन एक्टिंग आई एम लुकिंग फॉर गुड ऑफर्स, गुड रोल्स. इफ देर इज समबडी आउट देयर हू कैन कास्ट मी इन अ मीनिंगफुल रोल, डजंट मैटर हाउ बिग और स्मॉल, बट मीनिंगफुल रोल जो डायरेक्टर लगता है कि मैं ये रोल कर सकूँ, दैट विल बी ग्रेट. क्योंकि आप कोरियोग्राफर काफी अच्छे हैं, काफी फेमस हैं, लेकिन जब स्क्रीन के सामने ऐसे ना एक्टर के तौर पे आना पड़ता है, तो क्या डायरेक्टर की आपको सुननी पड़ती डांस मूव्स के लिए कि आप नहीं कहते हैं कि मैं ऐसे ऐसे डांस करूँगा? नो, आई थिंक यू हैव टू सरेंडर टू द डायरेक्टर. एंड अगर आप विश्वास नहीं कर सकते अपने डायरेक्टर को, देन डोंट डू द फिल्म और डोंट डू द रोल, बिकॉज यू हैव टू हैव दैट ट्रस्ट इन द डायरेक्टर. जो भी मैंने गाने किए हैं या छोटे छोटे फिल्म किए हैं, शॉर्ट फिल्म्स भी, आई हैव ऑलवेज आस्क्ड, हैव दैट फेथ इन द डायरेक्टर. क्योंकि अगर वो फेथ नहीं है स्क्रिप्ट में और डायरेक्टर में, देन यू नो यू डायरेक्टिंग योर सेल्फ, इट्स क्रेजी. आई मीन बिकॉज आई हैव बीन पर्दे के पीछे रहा हूँ कई सालों से, तो मुझे सेंस है कि ये नहीं चलेगा, तो आई ऑलवेज सजेस्ट कि शायद मुझे थोड़ा कम करना चाहिए बिकॉज यू नो इट विल नॉट वर्क, और शायद ये एक्सप्रेशन गलत है. बट एट द एंड ऑफ द डे इट्स द कॉल ऑफ द डायरेक्टर. अगर डायरेक्टर सेज नहीं मुझे आपका थोड़ा लाउड एक्सप्रेशन चाहिए, यू हैव टू डू इट बिकॉज इट्स हिज विजन एट द एंड ऑफ द डे. एंड एज एन एक्टर हमें सबमिट करना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है. सो समटाइम्स यू हैव टू बी हम्बल इनफ, लाइक इवन दो आई नो मेनी थिंग्स समटाइम्स, I should use that for my benefit to know ki to help the director, not to go against the director. कई सारी चीज़ें हुई हैं, बिकॉज फॉर एग्जाम्पल एक शॉट है जहाँ पे सारा का कॉफ़ी पी रही है और जो फ्रॉथ है वो उसके मुँह पे था. एवरी टाइम आई वॉज गोइंग टू क्लीन द फ्रॉथ, यू कैन सी इन सम शॉट्स, वो फ्रॉथ जो नाक पे था वो ड्रिप होके कॉफ़ी में गिर रहा था. सो यू नो वी आई हैड टू कॉन्स्टेंटली गो एंड यू नो पुट इट बैक ऑन हर नोज. सो देयर वर दीज वेरी फनी मोमेंट्स. एक रोमांटिक सीन था बर्फ में जहाँ पे हम एक दूसरे को देख रहे हैं इंटेंसिटी के साथ, देखते देखते पानी से नाक से पानी निकल रहा है. सो इट वॉज वेरी एम्बेरसिंग कि इतने रोमांटिक शॉट्स में. सो समटाइम्स आई वंडर हाउ डिड द यू नो यस्टरडेज के एक्टर्स जो करते थे बर्फीले जगहों पे, कैसे वो हैंडल करते थे, बिकॉज देयर आर सम वेरी रियलिस्टिक इश्यूज जो होते हैं. आंखों से पानी आने निकला है, नॉट बिकॉज यू आर सैड बट जस्ट इट्स सो कोल्ड दैट यू नो नाक पानी बह रहा है, आंखों से पानी बह रहा है. सो देयर आर दिस वेरी फनी सिचुएशन दैट हैपेंड. एंड मेनी टाइम्स जो सारा है शी इज़ ऑस्ट्रेलियन,
तो उसको कई बार कुछ चीज़ों का पता नहीं था, तो वी सू जस्ट प्ले अ प्रैंक. अजीज जो है, नॉट मी सो मच, बट अजीज इज़ अ प्रैंकस्टर, जो डायरेक्टर है, हर वक्त उसको कुछ ना कुछ मस्ती सूझे रहता है. तो ही वॉज कॉन्स्टेंटली गाइडिंग हर रॉन्ग. सो ही वॉज सेइंग हर, अच्छा ये ना गाने पर ना, दिस इज द इमोशन, एंड शी इज़ वेरी इनोसेंट, शी इज लाइक ओके ओके ओके. देन आई वॉज सीइंग हर रिएक्शन, आई वॉज लाइक सारा हू टोल्ड यू दिस, ही सेइंग ही. सो कई बार यू नो, फॉर जस्ट फॉर फन, just to tease her, we used to kind of just confuse her, but she was lovely, she was very sporting. At the end of the day, she figured out that, you know, I have to kind of, you know, ask 2-3 people to be sure ki kya sir bol raha hai sahi hai kya nahi. But there was some really cool, I think this is one of my most, bahut sare shots the, 2 din mein, generally this, a song like this requires 5 days. Humne 2 din mein uda diye, and I have to say ki bahut stress tha in terms of getting everything done. But the beauty is that the set ka jo mahol tha, bahut friendly tha. हम इतने हंस रहे थे, एट द सेम टाइम गेटिंग द वर्क डन, सो इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर मी. सो आप काफी बेस्ट डांसर हो, उसके अलावा एज अ आर्टिस्ट, एज अ एक्टर, ये एल्बम में काम करना कितना इंटरेस्टिंग हो गया था? आई थिंक आई प्रेफर डूइंग सॉन्ग्स दैट हैव स्टोरी, जिसमें स्टोरी हो. जैसे मेरा पहला जो म्यूजिक वीडियो था वाज मैं अकेला एक सिंगल पेरेंट हूँ, सिंगल बाप हूँ, और मेरी बच्ची मेरे अरमान पूरे करती हैं. सो इट वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी, वहाँ पर एक स्टोरी टेलिंग होनी चाहिए, एक्टिंग का स्कोप होना चाहिए, देन इट मेक्स मोर सेंस फॉर मी टू बी इन अ वीडियो. सो आई प्रिफर यू नो कि 3 या 4 मिनट में आप एक पूरी कहानी दिखा दें, ताकि वो स्कोप मिल जाए एज एन एक्टर ऑल्सो फॉर मी टू काइंड ऑफ शो माई टैलेंट. एंड आई जस्ट इन्जॉय डूइंग दिस बिकॉज डांसिंग तो आता ही है, एंड एक्टिंग इज समथिंग दैट आई हैव डन मेनी इयर्स इन माई स्कूल कॉलेज, और कुछ हद तक मैंने किया है, बट आई डिडंट फॉलो इट बिकॉज डांसिंग वॉज मोर इम्पॉर्टेंट फॉर मी. बट आई एम वेरी हैप्पी टू गेट बैक टू एक्टिंग, एंड वेरी हैप्पी टू बी हियर. हमारा जो गाना है मेहरबान, वो कल रिलीज़ हो रहा है 8 तारीख को, एंड इट इज़ अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, विजुअली बहुत ब्यूटीफुल, ऑडियो वाइज भी बहुत बहुत सुकून मिलेगा देखने के लिए. एंड देर इज़ लॉट ऑफ वेरिएशन इन दिस सॉन्ग, एंड ऑल्दो आई से सो माई सेल्फ, माई डायरेक्टर कीप्स सेइंग मी दिस इज़ योर, यू नेवर लुक्ड एज गुड एज इन दिस सॉन्ग. सो आई एम होपिंग पीपल विल लाइक दिस न्यू लुक ऑफ माइन, एंड बस मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ, मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, और उम्मीद यही है कि आप सबको पसंद आए. थैंक यू. Thank you. Gorgeous. He's always, don't you know he's a Jesus Christ? Look at him, yaar. Have you ever seen, look at that. He's a Jesus Christ who sins. I have to say, Father, forgive me for I have sinned. All right. I really, really, really want to wish him all the very best. I think Terry sir has been amazing at everything that he does. So I am really hoping, yahan pe bhi, haan ji. Terry sir has been amazing at what he does, so I really hope this sort of sees the stars and sees everything in abundance as well. So yeah. Yeah. What are friends for, yaar? Agar hum dost kehte hain, dost mera maan nahi hai, dosti wahi hoti hai ki aap apne dost ke liye khade rahe, and wherever, whatever they do, I will always be that for my friends, for people who've been there. Terry sir has been with me through so many things, so I will always be there no matter what. So yeah, I still haven't watched the video. No, I haven't. Absolutely. हाँ जी, मेरे मित्र उसमें हर साल रहते हैं, रोहित सर. मैं उनको उनके लिए बड़ा एक्साइटेड हूँ हर साल उनको देखने के लिए. आई थिंक ही इज फैंटास्टिक विद व्हाट ही डज. बट इस साल निशांत इज देयर, तुषार इज देयर, हु एल्स इज देयर, मैंने सुना है श्रुति इज देयर. तो आई थिंक अ कपल ऑफ फ्रेंड्स अगेन दिस ईयर, सो आई एम होपिंग दैट दिस वन इज गोना बी अ बैंगर एज वेल. आई कॉन्ट गिव यू एनी डिटेल्स ऑन इट. मैं मर जाऊंगा, मुझे मार दिया जाएगा, लेकिन जो भी है, देयर आर, आई एम होपिंग एंड प्रेइंग गुड थिंग्स कमिंग आवर वे. सो या, व्हेन द टाइम इज राइट, आई विल डेफिनेटली बी एबल टू शेयर मोर विद यू गाइस. थैंक यू. यस मैम, वी कैन डू द पिक्चर्स. और कुछ? थैंक यू. थैंक यू. ये गाना एक्चुअली बहुत पहले मैंने लिखा था, और ये गाना मैंने बहुत पहले लिखा था और सिद्धार्थ जी ने बोला था कि इसको हम बहुत बेहतरीन वे में इसको हम पोर्ट्रेट करेंगे और इसको रिलीज़ करेंगे.
तो उन्होंने अपना वादा निभाया और उन्होंने जिस वादियों में मेरे अल्फाजों को बिखेरा है और जिनकी आवाज़ों में उनको रिकॉर्ड किया है, राजा हसन साहब और इरफान अली साहब और एक मैडम हैं उनका जी, लोग ये तो लोगों के ऊपर है कि लोग, और ये गाना मैंने पुष्पा के पहले लिखा था जी। आइए अलहमदिल्ला, हाँ लिखा था और सिद्धार्थ जी ने मुझसे वादा किया था कि इस गाने को एक अच्छे वे में इसको रिलीज़ करेंगे और उन्होंने अपना वादा निभाया और मुझे सुनने में आया कि आजीज भाई बहुत अच्छे से उनको डायरेक्ट किया है और मुझे उम्मीद करता हूँ जी जी मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आप एक बेहतरीन सॉन्ग साबित हो और बहुत हिट हो। थैंक यू। या I'm actually very very excited about this song especially क्योंकि मैं काफ़ी सालों से मैं टेरेंस के पीछे लगा हुआ था कि साथ में काम करेंगे, बट फाइनली अग्री टू दिस सॉन्ग एंड स्पेशली, और ये जो गाना जो सिद्धार्थ कश्यप ने बनाया है ये बहुत ही अलग जोन का है, उनके जो प्रीवियस गाने से बहुत ही अलग है एंड टेरेंस हैज डन एन अमेजिंग जॉब। वी वांटेड समबडी हु लुक लाइक अ रॉक स्टार एंड आई हैव ऑलवेज सीन टेरेंस लाइक दैट, सो वी गेव हिम दैट लुक व्हिच आई थिंक ही इज लुकिंग फैबुलस इन द सॉन्ग एंड ही हैज डन वंडर्स टू द एंटायर वीडियो एंड यू गाइस आर गोना सी इट वेरी सून। Actually, from the time I've known Terence, I think he has always been an actor. Wo to by default he was getting into choreography. So he used to be a model. He has done acting and all before. So I think it was piece of cake for him. So and it was very easy shooting. He came up with the right emotions and the way he had danced and performed with Sara. It's fantastic. He had done complete justice to Siddharth Kashyap's track. Yeah, so yeah, shooting in Kashmir was actually a very big challenge for the entire crew, for the actors and all, because I wanted to shoot this song in locations that have never been seen before. So there is this place in Kashmir, it's I think about 4.5-5 hours drive right into the mountains where nobody usually goes. So we went on top and it's a snow clad mountain, and I wanted Terence to do the contemporary style of dancing in that especially, and it was really cold, all of us were freezing, but they did it wonderfully. And then we went down below from there aur wahan par ek bridge ke upar humko shoot karna tha, which was very unstable, so it was actually a very dangerous thing, but Terence being Terence, he did it and I'm really happy and you will see the result. Yeah, so when I heard this track from Siddharth, it was very different from all his previous tracks, from all his usual the filmy kind of songs and all. This was a very very different contemporary style. There was a lot of the entire genre was very different, and for a song like this I knew that I don't think so there was anybody else better than Terence to do this part, the kind of music that was there, and it was only he who could have done justice. Luckily he heard the song and he just said let's go ahead and do it. मुझे ये गाना बहुत अच्छा लगता है। आई विश आई कुड डांस, तो मैं भी खुद भी डांस कर लेता इस पर, बट या वी हैड अ ग्रेट टाइम एंड आई एम श्योर पीपल आर गोना लव दिस सॉन्ग, दे आर गोना लव द वीडियो, दे आर गोना लव टेरेंस, दे आर गोना लव सिद्धार्थ म्यूजिक एंड आई एम श्योर इट्स गोना बी अ क्रेज। आई होप ऑल ऑफ यू गाइस आल्सो लाइक इट, आई एम श्योर यू ऑल विल, बट या well, what all I can say is God has been kind finally after so many years. Yeah, so back to back all the songs are doing very well, we are very happy, the entire team is very happy, and we have a lot more songs coming up
Yeah, but same way, we're going to do a lot of hard work into our songs. And we don't just look this as a song. We see all these as mini films. So I guess people are liking it a lot, and I'm really thankful for it. Thank you. I'm very happy because जो मेहरबा के पीछे एक thought था initially when ये बनाए थे, उसके बाद जैसे ये गाना बना, उसके बाद ये जैसे video visuals बन के आए जो आप सब देखेंगे आज, it is so beautiful and definitely Terence ने काफ़ी videos में feature भी किए हैं, but acting से पहले वो हमारे दोस्त बहुत अच्छे रहे हैं. एंड मैं हमेशा बोलती थी कि nobody's explored you in your true potential, whether it's dancing or in, featured you in a video like that. So I always wanted to do something like that. But then of course Siddharth, Aziz, they all had a vision towards this. और बहुत अच्छे से उन्होंने showcase किया and आप सब देखेंगे and I'm sure सबको ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा. So SK Music Work, though is a music company, मगर I would like to say we operate like a boutique label, जहाँ पर हम unique voices, unique concepts, unique talent search करते रहते हैं और हर time एक कुछ नया try करने की कोशिश करते हैं, चाहे कोई भी तरीके से video के दौर से या फिर audio के दौर से. तो आप देखोगे हमारे हर एक गाने एक दूसरे से बहुत अलग है, visuals भी बहुत अलग है. चलिए, थैंक यू. नो, इट्स अ वेरी डिफरेंट सॉन्ग और कंपोजिशन पे तो वो क्या बैंक में बहुत सारी थी तो हमें टाइम ही नहीं मिला बीच में एक दो साल रिलीज करने का, तो अभी हम फटाफट करते ही जा रहे हैं. सो दिस वन इज a romantic song. इसके पहले जो किया था it was a dance number and maybe इसके बाद में हम जो कर रहे हैं फिर that is also a dance number. But ये song बहुत special है because इसमें हमने दो genre of music को fuse करके कोशिश की है and different voices explore किए. सुमेधा, इरफान, राजा हैं. इसे रकीब भाई ने बहुत अच्छा लिखा and the best part is when Terence heard the song so he liked it so much. Then he wanted के इसके अंदर कुछ और एक्सपेरिमेंट करते हैं जहाँ पे हम वो कंटेम्प्रेरी डांस को भी विथ स्टोरी के साथ में करें. तो अजीज़ केम अप विद अ वेरी नाइस थॉट स्टोरी वो करने के लिए एंड हमने कश्मीर में शूट किया एंड आई होप अभी आप लोग वीडियो देखेंगे तो यू गोना लाइक इट और लोगों को भी बहुत पसंद आएगा. एक मिनट सर, आवाज साइलेंट जी. ही इज तो इंस्पिरेशन टू ऑल ऑफ अस क्योंकि ही इज लुकिंग फैब और वीडियो में तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, ऐसे भी अच्छे ही लगते हैं पर एंड सारा इज डन वेरी वेल जो मूव्स हैं डांस के एंड उसके साथ में इट इज़ नॉट अ डांस वीडियो, एक कहानी है और जिस तरीके से अजीज़ ने इसे बनाया एक फुल स्टोरी टेलिंग है. सो आई थिंक कि इसके अंदर में ये जब वीडियो लोग देखेंगे तो दे विल सी द अदर पार्ट ऑफ टेरेंस जो कि ये खुद बहुत अच्छे एक्टर हैं क्योंकि हमेशा इन्हें कोरियोग्राफर डांसर वैसे देखे जाते हैं बट इज़ अ वेरी सुपर टैलेंटेड आर्टिस्ट. और इस वीडियो के अंदर में जो कहानी है वो कहानी भी इनके इर्द गिर्द ही घूमती है एंड इज एक्टेड सो वेल. और हम हमेशा सोचते हैं इसके म्यूज़िक वर्क्स में कि कोई चीज़ ऐसी बनाए जिसे बड़े पर्दे पर देखें तो अच्छा लगे, अगर बड़े पर अच्छा लग रहा है तो छोटी मोबाइल स्क्रीन पर तो अच्छा ही दिखने वाला है. यार ये गाना रकीब भाई के साथ में हमने
2017 में ये गाना हमने किया था एंड उसको अनप्लग जैसा हमने कुछ बनाया था जब हमने आज चैनल शुरू की थी। तो अब रकीब भाई और हमने इस थॉट के ऊपर में डिस्कस किया था, पर इसके बीच में वो जो कवाली वाला पार्ट है जो आप सुनेंगे देखेंगे, सो दैट एलिमेंट वॉज मिसिंग। तो हम जब अभी वापस करने बैठे तब रकीब भाई बीच में पुष्पा के लिए काफ़ी बिजी थे, फिर उसके बाद वो मैंने उन्हें ट्यून भेजी एंड ही केम अप विद अ नाइस हुक लाइन और उसी ने इस गाने को ओवरऑल डायमेंशन इसका चेंज किया। मैं तो चाहता हूँ कि हर बार की तरह ये गाना भी अच्छा रहे और कोशिश यही है, बस इस बार थोड़ा सा चेंज ये देखने को मिला है बिकॉज मुझे, मैं टू बी ऑनेस्ट, गाना हमारा काम है लेकिन इस बार गाने से ज़्यादा वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित करा बिकॉज लीवर शुरू से साथ में है तो एडिट वगैरह पे देखना और मेरा भाई जो हॉलीवुड लुक दे रहा है कमाल है और अजीज भाई ने इतनी तगड़ी मेहनत की है और हम लोग सब यही ऑफिस में भी यही बात कर रहे थे कि इस बार का ये जो वीडियो है ये मुझे नहीं पता कि हमारी सिंगिंग कितनी लोगों को पसंद आएगी नहीं आएगी, म्यूज़िक इज़ गुड बट इस बार वीडियो लोगों को लुभाने वाला है बिकॉज ऑफ टैलेंट एंड इंशाल्लाह गाना भी आप लोगों को पसंद आए। हम लोग हर साल कोशिश करते हैं, हर बार कोशिश करते हैं, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आए। तो मैं मेरा ही पार्ट गा देता हूँ बिकॉज दो लोग आए नहीं हैं, या उनका आप गा दें? नहीं नहीं, आप सबके पास गा सिंग सो मैं मेहरबानी तेरी तू फसाना मेरा तू कहानी मेरी मेहरबानी तेरी ये सिमटी सिमटी वफा से लिपटी तेरी नजर की जो प्यास है के रफ्ता रफ्ता दिले गिरफ्ता हुआ है दिल का जो हाल है तेरे पास है। वो कलम इन्हीं के पास थी और उसी कलम से ये खूबसूरत शब्द जो हैं वो छन के बाहर आए हैं। हम लोग खुशनसीब हैं, इनफैक्ट मैं अपने लिए कहूँगा मैं बहुत खुशनसीब हूँ टेरेंस और रकीब भाई के साथ, भाई के साथ मैं सालों से जुड़ा हुआ हूँ और मुझे हर बार ऐसा लगता है मेरे घर में काम हो रहा है तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी खुशी की बात है। रकीब भाई ने जब ये जो पहले तो अपने गाना लिख चुके थे वो हमारा थॉट प्रोसेस था, पर बाद में जब वीडियो की कहानी बनी तो फिर वीडियो की कहानी के हिसाब से हमने इसमें ये कवाली वाला पार्ट इंसर्ट किया। सो जब इन्हें मैंने कहानी सुनाई तो रात को मुझे फ़ोन करके सिर्फ इन्होंने वो कहा कि एक शब्द मेरे दिमाग में आ रहा है दिले गिरफ्तार, तो मतलब आपका बस ये शब्द है तो अब इतना यूनिक वर्ड है मतलब आप इससे डेवलप करके और बना लीजिए। I feel really grateful to be cast alongside Terrence. He's such a great human being, but also so talented and known worldwide. Like my friends back home are like, you're doing it with Terrence Lewis, I'm like, yeah. But he's just such a great human being and the whole experience was amazing. And to do contemporary dance with him, I was like, wow, like what a platform. It's like, I'm just really grateful to be a part of this. So thank you. But you know, I have to say about Sarah, we finally have a girl who looks good, who acts good, and who dances like a dream. It's so easy. Sometimes you find the very beautiful girl to be on screen. She's got great, you know, features. She's tall, beautiful, everything. And then sometimes you get somebody who's superbly acting, a great actor, but then who can't dance. This is a rare combination who looks good, acts well, and can dance well. So well done. Thanks. मैंने उसमें वोकल सुपरवाइज़र का काम किया है। वोकल सुपरवाइज़र जो जो अपने जो सिंगर्स हैं जैसे राजा हसन जी और मोहम्मद इरफान और अपने सुमेधा, तो उनकी डबिंग करवाना, तो ये डबिंग करते हुए बहुत मज़ा आया और मैं इस गाने को लेके बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि ये गाना बहुत ज़्यादा मेरे दिल के करीब है एंड दिस सॉन्ग इज़ गोना रॉक and I'm very happy to be part of this beautiful song composed by Siddharth Kashyap ji. Thank you so much.
Yeah, of course, Aziz and I go back almost about 15, 20 years. I've seen a lot of his work. But this is one of those extremely rare ones where after looking at the teaser, I am very keen, very excited to see the unveiling of the actual video. I think no one could have got the best out of what's seen in the teaser out of Terence, and the landscaping and the colors, the way Aziz has done. So I think he's done a phenomenal job on the video. As far as Siddharth ji is concerned, I loved his number, which was unveiled about a month back, called, the first one, Siddharth's number? Before that. Jana Hai Tujha, yeah. Jana Hai Tujha, that one. Beautiful song. That's when I got exposed to his kind of music for the first time. And since then, I've been in love with him. This one is very exciting, very tantalizingly teasing. Looking forward to a lot of fun. Thank you. So, मैं जैसे ही अंदर एंटर हुई दो आई वॉज लेट आई एम रियली सॉरी बट थैंक गॉड गाना चल रहा था और आई डिड नॉट मिस एनी थिंग द इंटायर सॉन्ग वॉज लुकिंग लाइक अ फीचर फिल्म सो नाइसली शॉट एंड टेरेंस इज वी ऑल नो दैट हाउ अमेजिंग अ डांसर ही इज एंड उनको डायरेक्ट उन्होंने इतने ब्यूटिफुली किया है बाय कैचिंग एवरी मूवमेंट सो नाइसली एंड द ब्यूटी जो शूट की है मतलब कमाल किया आपने इट्स लव आपका कुछ कहना है मैं कह चुका हूं सेकंड माय थॉट टेरेंस इज एन एक्टर मैंने टू बी वेरी ऑनेस्ट उनको पहली बार एक्ट करते हुए देखा और उन्होंने बहुत ही ब्रिलियंटली अपने आप को लेकर आए हैं वो एंड विद दिस सॉन्ग उन्होंने एक्चुअली बताया है कि ही सुपर 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 मल्टी टैलेंटेड बट यू नो व्हाट नॉट मेनी पीपल नो दिस टेरेंस वाज ऑलवेज एन एक्टर वो बाद में कोरियोग्राफर बना ही वाज ऑलवेज अ मॉडल ही हैज डन अ लॉट ऑफ म्यूजिक वीडियोस तभी वो प्रूव भी हो गया है कि वो मल्टी टैलेंटेड है फॉर 20 इयर्स नाउ मैं हमेशा आई वाज आफ्टर टेरेंस दैट यू गॉट टू डू अ वीडियो फाइनली ऐसा एक गाना मिला हम लोगों को एसके के पास दैट ओनली टेरेंस कुड हैव डन जस्टिस एंड आई वांटेड टू शो टेरेंस लाइक अ रियल रॉक स्टार ही यूज्ड टू बी लाइक दिस 20 इयर्स बैक फ्रॉम द टाइम आई नो और अलीजा खान ने भी काम किया है मतलब कमाल कमाल कर दिया है तो सबका ओवरऑल या सबका ओवरऑल बहुत अमेजिंग आया बिलीव नहीं कर सकता था कि ऐसा कुछ हो सकता है बिकॉज म्यूजिक वीडियोज जनरली यूट्यूब या टी वी पर देखते हैं लेकिन सिद्धार्थ सर का दिल बहुत बड़ा है कि उन्होंने ये प्रीमियर बुक किया एंड इट फील्स लाइक यू नो इट्स जस्ट सरियल बिकॉज वो छोटे फ़ोन पे देखना और टी वी पर देखना और एक बड़े पर्दे पर देखना सिल्वर स्क्रीन पर देखना है बहुत अलग बात होती है आई फील ओवरवेल्म्ड और आई जस्ट So मैंने जो कुछ भी किया आई लर्न फ्रॉम हिम 20 इयर्स बैक ही वॉज डायरेक्टिंग मी और मैं वहीं से सीखकर आई गेव इट बैक टू हिम इट इज लवली आई मीन टू हैव अ डायरेक्टर हु बिलीव्स इन यू दैट्स द फर्स्ट थिंग एज एन एक्टर बिकॉज आई डोंट नो एनी एक्टर डायरेक्टर कॉम्बिनेशन दैट हैज गिवन हिट्स दैट डोंट हैव दैट काइंड ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट एंड ट्रस्ट फॉर ईच अदर सो थैंक यू अजीज थैंक यू अजीज Yeah, everyone wants to see. The dead girl is going to come back. So we are working on that now. We'll have to ask Siddharth to make another track for that. Thanks. Yes, which one? Two Sarahs standing here. Desi Sarah. Desi Sarah. I've actually spoken enough.
You can, yes. Please. Yeah, I just want to say thank you everyone for coming, and it was so amazing to see you on screen and to work with Terrence and Aziz sir and Sadat sir, and it was just such an amazing experience, and I'm really, really excited for what's to come. And yeah, thank you. All the very best to you. Thank you. Thank you, Sarah. एंड हमने जब दुआ करो भी किया उसके बाद जाना है तो जा छम्मो सभी में वी मेड इट हमने स्पेशली डॉल्बी एटमॉस मिक्स करा है क्योंकि टू विजुअलाइज द सॉन्ग के एक्चुअली हमारा तो इंडिपेंडेंट गाना है पर यदि ये फिल्म में आता तो कैसा लगता है एंड आई एम सो हैप्पी के आज यहाँ पर जब सब लोगों ने देखा तो हर एक का रिएक्शन बहुत अच्छा था गाने के लिए और लोग सबको बहुत पसंद आया एज अ कंपोजर यू आर या सी हर एक का अपना एक तरीका होता है काम करने का वैन ऐसा ज़रूरी नहीं कि मुझे ट्यून बनाने में कोई बहुत टाइम लगता है या बहुत सोचना पड़ता है बहुत सी बार ऐसा होता है फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में लिरिक्स ड्राइव करते हैं और ट्यून बन जाती है पर जो गाने को पूरा सजाना है क्या क्या इंस्ट्रूमेंट यूज़ करने हैं क्या टोनैलिटी में रखना है किस जोन में है एंड दैट इज़ वेयर इट मेक्स इट वो वहाँ पर हम कोई कोशिश करते हैं कि अपनी समझ से कहीं पे भी अपनी जितनी समझ है उस लेवल तक काम करें उससे कहीं नीचा ना करें और दैट इज़ ओनली द प्रोसेस जो आपको बहुत कुछ सिखाता है और आप उसको सीख करके ग्रो होते हैं पहले दुआ करो फिर जाना है तो जा जानो है तो जा का आर्टिस्ट वर्जन चम्मो एंड मेहरबा आप देखेंगे तो सारे गानों के अंदर जो एसकी म्यूजिक वर्क्स में द ओनली कॉमन फैक्टर अमंग ऑल सॉन्ग्स इज सिद्धार्थ कश्यप क्योंकि ये मेरे कंपोज किए हुए और हर आई वॉज ट्राइंग टू डू कि हम अलग अलग जॉनर ट्राई करें हमें ऐसा नहीं कि सिर्फ एक किस्म के गाने ही हम करते रहें क्योंकि गानों का बहुत स्कोप होता है जिस प्रकार से आपके लाइफ के हर सिचुएशन में आपको गाना मिलता है चाहे बच्चा पैदा हो शादी हो या मरने तक के हमारे यहाँ पर गाने होते हैं तो हर सिचुएशन के लिए सॉन्ग है सो वी आर एक्सप्लोरिंग डिफरेंट जॉनर्स ऑफ म्यूज़िक और वही सबसे खुशी होती है कि जब लोगों को पसंद आता है कि इतनी वैरायटी है इट इज़ वेरी मैंने ऐसा होता है कि हम जब गाना सी हमारे दिमाग में पहले कास्टिंग रहती नहीं एज ए म्यूजिक कंपनी हमारे लिए सबसे पहला प्रोडक्ट हमारा गाना है वो जब गाना फाइनल होता है देन फिर हम उसको बाउंस बैक करते हैं फिर सोचते हैं अब इसके ऊपर किरदार क्या करें कहानी क्या बनाए और फिर जब कहानी बनती तब हम उसकी कास्टिंग के ऊपर में ट्राई करते हैं तो उसमें बहुत सी बार ऐसा है कि कोई गाने पर हमें कास्टिंग ऐसी लगती है जहाँ पर जिसे हम जानते हैं वो मिल ही रहा है जैसे अभी अगला जो गाना अभी डॉल्ची गवाना हमारा आने वाला है अब वो एक नई सिंगर है विश्वजीत का लेकिन उसकी जो कहानी थी उसके कास्ट में हमने ऑलरेडी प्रतीक के साथ दुआ करो किया था बट ही वॉज शूटिंग दैट वो हमने वो उस किरदार में एकदम शूट करता था तो हमने उसी को कास्ट किया सो वी हैव रिपीटेड आर कास्ट बट मेन थिंग है कि सबसे पहले गाना होता है गाना सब चीज़ें ड्राइव करता है मैं सबसे ये कहना चाहूँगा कि जैसा प्यार आपने दुआ करो जाना है तो जा और सम्मो को दिया है वैसे ही मेहरबा को भी दीजिए आने वाले गाने को भी दीजिए और अपने अगर अच्छा लग रहा है तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें शेयर करें और मैं चाहूँगा कि अगर इसके बारे में कुछ भी लगता है तो प्लीज़ आप उस पर कमेंट कीजिए आपके जो कमेंट्स होंगे दैट विल मेक अस नो आर सेल्फ बेटर और हम और अच्छा एंटरटेनमेंट काम कर सकते हैं थैंक यू